हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। तो गाइस, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जो कि होगी हमारी पोकेमॉन टैब लेआउट एपीआई इन एक्सटी। एंड फाइनली हम इस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे इनसाइड एंड्रॉइड स्टूडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोटोटाइपिंग सिखाऊंगा कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो अपनी ऐप को और देन इसको आप यूज कर सकते हो सेम डिजाइन डायमेंशन को इनसाइड दी एंड्रॉइड स्टूडियो। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली गाइस ये सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है इनसाइड दी अडोबी एक्सटी और उसको मैंने नेम दे दिया है 10th प्रोजेक्ट पोकेमॉन टैब लेआउट ऐप यूआई इन एक्सटी। और जो मेरा मेन आर्टबोर्ड है इसको मैंने नाम दे दिया है स्क्रीन 1। ओके नाउ गाइस, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एक्शन बार ड्रॉ करूंगा जो कि हमारा एंड्रॉइड गेम में अगर आपको याद होगा तो एक्शन बार होता है, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टूल का यूज कर रहा हूँ जिसको आप आर प्रेस करके भी ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो आपको शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कि हमारे को डायमेंशन लंबाई में चाहिए, रेक्टेंगल की डायमेंशन चारों तरफ से सेम नहीं होती। देन इसके बाद मैं वी की प्रेस करूंगा, देन आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है रेक्टेंगल ड्रॉ। देन यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइक एक्शन बार। ओके सो ये हमारा हो चुका है एक्शन बार। एंड देन इसके बाद इसका मैं बॉर्डर यहां से हटा देता हूँ और देन इसका जो फिल कलर है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर दूंगा। तो ये हमारा रेड कलर है जो कि हम यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम इन कर रहा हूँ, मैं प्रेसिंग कंट्रोल, अगर आप व्हील अप करते हो तो आप जूम इन करते हो और अगर व्हील आप डाउन करोगे तो आप जूम आउट करोगे। देन इसके बाद गाइस, अब मैं फिर से एक्शन बार को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी एलिवेशन प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आप चाहें तो एलिवेशन यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे को शेडो की जरूरत पड़ेगी। शेडो पे जाते हैं तो शेडो सिर्फ वाई एक्सिस पे चाहिए, दैट इज रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो छोटी सी शेडो आ चुकी है थोड़ी सी, बट अभी विजिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है, तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करता हूँ। देन आप देख सकते हो अब शेडो विजिबल हो रही है। इसके बाद यहाँ पे इसके जो शेडो का जो अमाउंट है आप यहाँ पे कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो 2। देन शेडो का जो ब्लर रेडियस है वह बढ़ा सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ लाइक ओनली 2 रख देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एक्शन बार लगेगा। ऑफ कोर्स एंड्रॉइड स्टूडियो में हम एक्शन बार हमें प्री डिफाइंड क्रिएटेड मिलता है। इसके बाद गाइस, अब मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट प्लेस करूंगा और जिसमें अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ हमारी एप्लीकेशन का, जो तो हम इसको नाम लेते हैं लाइक पोकी टैब लेआउट ऐप या पोकेमॉन टैब लेआउट ऐप। तो पोकेमॉन टैब है, इसके अंदर आप लिस्ट ऑफ पोकेमॉन्स को डिस्प्ले कराओगे। देन इसके बाद यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ से भी छोटा। एंड देन इसके बाद वी की प्रेस करते हैं और देन इसको हम यहाँ पे लाके सेंटर पे ड्रैग कर देते हैं। ऑफकोर्स अभी विजिबल नहीं है, इसका हमें जो टेक्स्ट कलर है वो करना होगा व्हाइट। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कलर कर दिया व्हाइट, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्शन बार को सिलेक्ट करेंगे, मीन्स जो हमारा रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे और देन इसके बाद तो आप देख सकते हो वैसे भी मैंने परफेक्टली प्लेस किया था, दैट इज द रीजन नो चेंज यहाँ पे रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको सिलेक्ट करके हम एक ग्रुप बना देंगे और देन इसको हम नाम दे देंगे एक्शन बार अगेन, ताकि हमारा जब मूव करे तो एक साथ ये मूव हो जाए। तो आप चाहें तो यहाँ पे आर्टबोर्ड को कलर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कलर देता हूँ आर्टबोर्ड को लाइक एक थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं कुछ इस तरीके का। तो ये मैंने अपने आर्टबोर्ड को कलर दे दिया। अब हमारे को कहीं यहाँ पे टैब लेआउट वाली एप्लीकेशन बनाने, तो आप टैब लेआउट से समझ ही होंगे इसके अंदर हम फ्रेगमेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उसको हमें स्विप भी करना होगा। तो हमारे को जैसे कि हम मल्टीपल टैब्स होंगे तो उस पर क्लिक करें तो उसे हमें एनिमेट भी करना होगा इनसाइड अडोबी एक्सटी, तो वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो सारा काम मैं आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।